मैनू डर आता पिया कि जिन्ना बच्चों मेरी दाड़ी च तिनका सोना नहीं लगा कि अल्लाह कयामत को पुछ ना लवे ये तिनका तेन मेरे घर च किवें सोना लगा है तो मैं बाहर ही सुटन चले गए। कभी तुमने भी मस्जिद की सफाई की इस तरह? कभी तुमने भी हफ्ते बाद ये पंखे साफ किए? तुम्हारे घर में मेहमान आना हो तो सारे घर की सफाई करते हो तो ये तो अल्लाह के दरबार के मेहमान आते हैं इधर। हमने कभी नहीं सोचा अल्लाह जानदा वे जिन्ने बैठे जे जरा सुनिया जे आया सलाल वहाजने तेरे कोले आंदे कानू ला बैठा हजरत खालिद बिन वलीद 100 जंग लड़ी। बोलो किन्नी? सारे बोलो कितनी? जिसम ते कोई निशान ऐसा नहीं जिथे जहाद की जरब ना लगी हो, ऐसा हिस्सा ही नहीं कोई। हजरत उमर ने सिपा सरारी तो तार के आम सिपाहियों च खड़ा कर दिता। शैतान मुनाफिक दे रूप जाया ते आके कहंदा खालिद बड़ी ज्यादती हुई है तेनू सिपा सरारी तो ला के आम सिपाहियों च खड़ा कर दिता है ते उमर ने तेरे नाल बड़ी ज्यादती की है। ते कहंदे ने अच्छा ते अगली गल कर। खालिद कहंदे ने भाई तेनू की लगे तू अगली गल कर। ते कहंदे ने तू उंज लड़ी जाना जिवें सिपा सलार लड़ते हैं ते तू बह जा। ते कहन लगे अगे ओदे दा मसला हुण ईमान दा मसला है। आंदे ने ओ बद बख्ता खालिद उदों भी रब दी रज़ा वास्ते लड़दा सी ते खालिद हुण भी रब दी रज़ा वास्ते लड़दा है। ते साडा मस्जिद दे इश्तिहार च नाम ना लिखिया होवे ते असीं चंदा ही नहीं दिंदे। असीं आने ओदे कोलों जिहदा नाम लिखिया चलिया इस इश्तिहार च नाम लिखा के क्या मिलना है। जे करामन का तबीन के दरबार के अंदर मोढ़िया के अंदर नेकी ना लिखी तो अर्श वाले के कोल तेरी नेकी ना लिखी। आज कितने बैठे हैं जरा सुनिए आखिरी बात है। मेरा सलाम शराजी साहब भी लेट आए ने अल्लाह उम्र च बरकत फरमाए। जरा लफ्ज़ सुनिया जे ध्यान नाल अर्ज करदा पिया मेरिया भैणां भी ध्यान नाल सुनन मेरे वीर भी ध्यान नाल सुनन। एक घंटे दा मैं टारगेट लाया सी अल्लाह तेरी मेरी हाजरी कबूल फरमाए। इमाम ताज़ा होवे अल्लाह राजी होवे। बड़ा तुसा मुहब्बत नाल दरसे कुरान सुनिया है ते मैं भी मुहब्बत नाल दरसे कुरान दिता है। आखिरी बात सुना के इजाजत चाहवांगा। इमाम अहमद इब्ने हंबल 10 लाख हदीस रसूल दे हाफिज। किन्ने? 10 लाख हदीस रसूल दे हाफिज। ना जी शेख साहब नु पुछिया जे किड्डे वड्डे इमाम दी गल कर लगा वे। ओ इमाम अहमद इब्ने हंबल बैठे ने ते इक बीबी पिंड दी छज च पाया सूत्र। आंदी वे पोते अहमद मैनू मसला दसना मैं सूत्र वेचन जानी है मंडी वेच मैं दस के वेचा। आ दिन दा कत्या रात दा कत्या। इमाम अहमद भी रोन लग पे शिगिर्द भी रोन लग पे। आंदी वे पुत मैं तेनू मसला पुछया है ते तू रो लग पिया है। आंदने बीबी अज पता लगा है इमाम अहमद तो ज्यादा भी जमीन ते गुरब तो डरन वाला वस्ता पिया। आंदने अम्मा दिन दे कत्ते ते रात दे कत्ते च फर्क हुंदा है। आदी हां वे पुत्र रात दीवे दी रोशनी जगा दी है ते गंडा रह जांदियां सफाई नहीं आउंदी ते सवेरे सूरज दी रोशनी जगा दी है ओदियां सफाइयां बढ़िया हुंदियां ने। नियमां तेनू किन्ने मजबूर कीता। इमाम अहमद नू मसला पुछ के आ। आदी वे पुत्र मैनू राती नींद नहीं पैंदी किते अल्लाह कयामत नू पुछ ना लवे तू दस्या क्यों नहीं सिया दिन तक ते हालात तक तू लगी दाल बेसन बना के वेच देना है लगे चने बेसन बना के वेच देना है गंदे घ्यो बेची जाना है और गंदिया खुराकों बेची जाना है और गंदी बैकरी का समान बेची जाना है एक्सपायरी डेटा का माल बेची जाना है और लोगों दिया सेहतां ना खेड़दा है और माई सूत्र भी वेचे ते पुछदी है मैं दसा दिन दा कत्या रात दा कत्या है। साडे हाजियां नमाजियां दियां दुकानां ते वी बल्ब लगे ने दुकान ते गाग वरदा जाए ते बटन छड्डी आउंदे ने जिथे बटन हुंदे उत्थे कुर्सी ला के बैठे हुंदे ने हथ नाल बटन छड्डदे जांदे सारी दुकान रोशन कसमे कपड़े दी चमक वखाउंदे ने गाग दा ईमान लुटदे ने अपना ईमान लुटाओ।
नबी करीम भी एक बाजार से गुजरे थे तो एक खजूरों की चमक इतनी थी कि मुस्तफा खड़े हो गए, आपका दिल भी उसकी तरफ लिपका। तो मुस्तफा करीम ने ऐसे हाथ डाला तो थले गिलियां खजूरों के उत्ते चमकदार फुकियां। ते आपने पूछा मा हाजा ये क्या है, ते कहंदे ने सोनिया बस बारिश होई सी ते मैं आखा गिलियां थले रखा ते सुकियां उत्ते रखा। ते मेरे नबी फरमांदे ने मन कशा पलई सबिना जिन्हें बराबर कीती मैं मुहम्मद दी उम्मत चुनी। आज कितने मुसलमान हैं मझ का दुध महंगा लेंदे ने, गां का दुध सस्ता लेंदे ने, शहर जाके इको रेट ते दुध बेच जा रहे। ये गांव के लोग जानते हैं, इधर कोई बैठा हो तो वो पूछ के बताए गौ का दुध सस्ता मिलता है, मझ का दुध महंगा मिलता है और शहर जाके कट्ठा लगा के बेच जा रहे। कितनी हेरा फेरी है, पोटर वाला दूध लोगों को पिलाई जा रहे हैं। पोटर वाला दूध मैं अपने घर में कितने दिन चाय पीऊं, मैं एक घूंट लगाता हूं तो कप नीचे रख देता हूं, वो उसमें जायके ही नहीं होता। और मैंने अब मेरे महकमे हेल्थ के दोस्त बने हैं, जीजी लेवल के डायरेक्टर लेवल के दोस्त है, तो मैंने एक दिन कहा यार सैंपल कराओ तो वो दूध पाउडर से भी बुरा तरीन दिया। आप बताएं जो मुसलमान इंसान की जानों से खेल रहे हैं बोलो वो किस दर्जे की बात करते होंगे। कभी तुमने पूछा है, ये दर्जी ने कभी पूछा है कि तेरा कपड़ा बदया है तो वापस ले जाना है कि नहीं? माई ने पूछन दी ये दिन तक कत्या के रात तक कत्या, कभी पूछा है? आज कितने मुसलमान बैठे हैं वादा करें मुझसे कि हमने जो भी काम करना है, आप वजू करते आपने पानी का कतरा कभी रोजे की हालत में हल्के नीचे जाने दिया? क्या कीता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, ये खौफे खुदा है। अल्लाह कहता है जिस तरह पानी का कतरा हलक के नीचे नहीं जाने देता कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह कहता है यही मकसद है रोजे का कि तू हर हाल में सोचना शुरू कर दे मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, हर टाइम तेरा यही ख्याल लगा रहे मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। हमारे अंदर तो खौफे खुदा का नाम सिर्फ रह गया है ना। भी देख लो जिन्होंने अल्लाह का डर है वो अपनी जिंदगी फूंक फूंक के गुजारते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला मदीने जा रहे हैं, गवर्नर बन गए तो एक दिन जनाब दिल च थोड़ा जहा ख्याल ही आया कि मैं मदीने का गवर्नर, हजरत लकड़ियां की पंड सिर च रख ली तो मदीने के बाजार च तुर पे। किसी ने कहे तुझे गवर्नर हो थोड़ा मेरे पार चुका दो मैं ता खा दवा, कहते मैं अपनी गवर्नरी से मारन वास्ते बढ़ चुकी है कि मेरे दिल च ख्याल को आया कि मैं गवर्नर बन गया, मैं अपनी गवर्नरी मारन वास्ते तय काम किया। हजरत उम्र फारूक जा रहे ने जनाब एक कुल्ली दे विच वड़े ते औरत नूं बच्चा पैदा होने वाला है, ते जनाब अपनी बीवी नूं लिया के तेनु कहा सच्चा बच्चा दा सर जान तू कम देना है, ते दाई बना दिता अपनी बीवी नूं। ते जनाब जो बच्चा पैदा हो गया ते औरत नूं पुछदे ने तेनु अल्लाह पाक ने सुकून दिता है, ते इत्थों दे अमीर मोमिनीन नूं जानदी है, आंदी मैं नहीं जानदी पर कयामत नूं मेरे होणगे, तेनु मेरी राया दी खबर क्यों नहीं सी, मैं ते उन्हें नहीं जानती पर शिकायत करा भी अल्लाह दे दरबार च। हजरत उमर दी अखा डुण लग पईआं ते कहंदे ने बीबी तू किवें राजी होवेंगी, आंदी रोटी मेरी कोई नहीं पकाउण वाला। उमर ने अपने हाथ नाल अग बाली ते दाड़ी थले जमीन ना लगे पई ते फूकनी मार के फूक मार के अग बाल दे विचों धुआं निकलदा पिआ है, दाड़ी दे वाला विचों धुआं पिआ निकले, फूक मारी चुल्हे की अग बल पई ते जनाब आन के कहंदे ने आ रोटी तेरे बच्चे भी खान ते तू ही खा पर मैनू माफ कर दी मैं ही अमीर मोमिनीन उमर, मैं लेट हो गया तेरी खिदमत च, मैं लेट हो गया
गुलाम कहता जी आप बोरी मैनू चुका दो, कहंदा ने उम्र का वजन इत्थे उठा लेगा, कयामत नू कौन उठाएगा। कहंदा ने मैं नहीं चुकाऊंगी, मैं आप ही चुकाऊंगी। आज हमारे हाल देख ले, हमारा करदार देख। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अपनी हर वक्त ठहरने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह से डर के जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। ऐ सुबह हजरत साहब ने दसिया उत्ते पत्थर लगा।